With less than 2 months to go for Tripura, for the crucial assembly election, opposition Congress is looking to step up campaigning in the state. In a protest rally in Agartala today, Congress alleged that none of the promises made by the BJP and its leaders, including Union Home Minister Amit Shah, prior to 2018 election were fulfilled. Congress leader and former MLA Ashish Kumar Saha reiterated that under the present regime, there is no rule of law in Tripura. देखिए त्रिपुरा में अभी जंगल राज चल रहा है, ये प्रतिश्रुति रखा है, कुछ भी ये फुलफिल नहीं कर पाया। अभी इलेक्शन चुनाव की पहले थोड़ा सा कुछ ये लोग जुमलाबाजी करके दोबारा चुनाव जीतना चाहते हैं। इस बार लोगों को हम लोग जागृत करना चाहते हैं, लोगों के पास जाके इनके खिलाफ जो आवाज़ उठा उसको मजबूत करना चाहते हैं, और अगले चुनाव में जो हमारा यह असेंबली चुनाव है उसमें कांग्रेस को पावर लेने के लिए कांग्रेस का जो ये धारावाहिक कर्मसूची है, यह लगातार कर्मसूची हम लोग कर रहा है। बीजेपी का पतन त्रिपुरा में प्रधानमंत्री जी, उनकी जो कैबिनेट की दो नंबर अमित शाह जी, वो आँखों से देख रहा है। ये अमित भाई की जो यहाँ पे जो भी इन्होंने बोला, ये अमित शाह की बातों पे मानुष यहाँ का आम जनता का कोई विश्वास नहीं है। ये लोग हटाने वाला है, अमित शाह की जो सरकार है, बीजेपी का जो सरकार है उसको हटाने वाला है। इस बार परिवर्तन हो रहा है।